सुरेश जी, सरकार ने हाल ही में चने और मसूर की MSP भी बढ़ाई है, तो एक तरफ तो सरकार MSP बढ़ा रही है, दूसरी तरफ इंपोर्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है सरकार का? नहीं, MSP जो चने में बढ़ाई है वो तो काफी कम है, चने में कम से कम 400 रुपए क्विंटल MSP बढ़ना थी, एक बार 130 रुपए बढ़ाई है, और तुअर मसूर में भी MSP 400 बढ़ी है, वर्तमान में मसूर का भाव जो है MSP से काफी ऊपर चल रहा है, तो MSP तो हर साल जो एक निरंतर प्रक्रिया है उसके तहत महंगाई को ध्यान रखते बढ़ती है, मगर इस बार MSP काफी चने में कम बढ़ाई है सरकार जी। आयात करने का सरकार का निर्णय है वो MSP और दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आयात करने के कई कारण होते हैं, देश में उत्पादन करना, देश में बारिश के मौसम से माल खराब होना जी, देश में उत्पादन में वृद्धि होना, तो ऐसे कई निर्णय होते हैं, कमी और वृद्धि, इन सब पे आयात का निर्णय किया जाता है, इस बार उत्पादन भारत में कम हुआ है जी। इस बात को ध्यान रखते हुए ये कई देशों से उन्होंने समझौते किए जी, जो मैंने अभी आपको नाम दिए हैं जी, तो उस प्रकार से ये, मगर किंतु सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो निर्मला सीतारमण ने 2018 में पॉलिसी निर्धारित की थी, 2019 में निर्धारित की थी, 2020 में निर्धारित, उन तीनों सालों की पॉलिसियों को मदद दिया जी। उन तीनों सालों की पॉलिसी गवर्नमेंट की बहुत सही थी, उसमें आयात निरंतर होता था, 12 महीने तक होता था, दाल महीने दाल इंडस्ट्रीज आयात करती थी, हर महीने माल आता था। अब जो पॉलिसी बनी है वो 5-6 महीने के लिए बनी, अब जो पॉलिसी है उसको 31-10 तक के लिए उन्होंने अवधि दी है, तो उन्होंने पॉलिसी 4-5 महीने के लिए की, जब 4-5 महीने की कोई पॉलिसी भारत सरकार बनाती है तो विदेश से माल आने में कम से कम मिनिमम 2 महीने लग जाते हैं, कनाडा जैसे साउथ अफ्रीका से आने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं, और जब पॉलिसी आप अगर कम समय की बढ़ाते हैं तो देश के बाहर के व्यापारी अपने यहाँ $200 प्रति टन और $200 के अलावा कंटेनर के भाड़े शिपिंग कंपनियों के भाड़े बढ़ा दे, तो उसका सीधा सीधा नुकसान भारत के उपभोक्ता किसान को और व्यापारी को होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि 6 महीने की पॉलिसी बनेंगे, 1 साल के लिए कम कर दिया, 90 दिन तो माल आयात में लगेंगे, तो मूलतः पॉलिसी की मुख्य अवधि हो जाती है 3 महीने, क्योंकि 3 महीने पहले जो माल निकलेगा वो यहाँ समय अवधि में आएगा, तो ऐसी छोटी छोटी पॉलिसी बनाने से विदेशों में कीमत बढ़ती है और यहाँ भी कीमत बढ़ती है, यहाँ के आम उपभोक्ता जी। ये बात अभी 3 दिन पहले मीटिंग में मैंने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के प्रमुख सचिव से किया और उनके ध्यान में भी पाया, उस समय कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी थे, FSI मंत्रालय के अधिकारी भी थे, तो उनसे मैंने ये बात स्पष्ट की कि आपने रिकॉर्ड में तो 6 महीने का लिखा है, मगर बेसिकली वो पॉलिसी 3 महीने की रही, क्योंकि 3 महीने में माल लोड होगा, इंडिया आएगा तो वो तो रास्ते का समय है, सैंपल का समय, माल डिलीवरी होने का समय, विदेश से बंदरगाह पे आने का समय, जहाज का इंडिया आने का समय, तो 2 से 3 महीने उसमें लग जाए, तो हमने उनसे पॉलिसी का संशोधन करने का अनुरोध किया। सुरेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने चना और मसूर की जो MSP बढ़ाई है, आपको क्या लगता है MSP कितनी होनी चाहिए थी कि किसानों की लागत भी निकल जाती और मुनाफा भी हो जाता? नहीं, चने की MSP का हमने 6,000 सरकार से अनुरोध किया था जी, कि आप इसकी MSP 6,000 रुपए रखें, और 6,000 रुपए की जगह सरकार ने 130 रुपए इस साल बढ़ाई है, पिछली बार तो अलग बात थी, मगर इस बार उत्पादन कम हुआ है जी, चने का मध्य प्रदेश राजस्थान में उत्पादन कम हुआ है, तो चने की MSP पिछले वर्ष की तुलना अधिक बढ़ाने की आवश्यकता थी, मगर उससे कम बढ़ी है, मगर ये सरकार का निर्णय है, जिनको निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने सोच समझ के दिया होगा जी। तो यानी कि चने की MSP जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए थी उतना नहीं बढ़ाई गई है सरकार द्वारा, कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए थी सुरेश जी के अनुसार, तब जाके किसानों की लागत निकल पाती, जिस हिसाब से अभी महंगाई दर बढ़ रही है, साल दर साल महंगी कीमतें देखने को मिल रही हैं, लेबर कॉस्ट आती है और उस पर जो दवाइयां लगती हैं, पेस्टिसाइड्स लगते हैं, उन सब की मद्देनज़र
जो एमएसपी है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी, ताकि किसानों की एटलीस्ट लागत तो निकल पाए और मुनाफा भी थोड़ा बहुत किसानों को हो पाए।